मैम जैसे कोई डायलॉग याद है बाबा के ठटरी की पारी ठटरी की पारी से बहुत अच्छा आंसू उड़ता है बाबा के सुनता है तो ठटरी की पारी इधर आयो तुम ऐसे उसे बन गए तो बहुत है और क्या कहते उसे आइल तो यही है याद है बहुत और मजाक में बोलते हैं बहुत अच्छा लगता है और बाबा के जैसे सुनते हुए वागो से एक्साइटेड होकर आस्ते आस्ते अब मोड़ते हैं घर पे तो बागेश्वर धाम जाना चाहेंगे जाना तो बहुत बहुत मन है बाबा ने बुलाया तो बहुत कुरा होता है नेपाल आमा के जय होता है नेपाल आमा के जय होता है भारत आमा के जय बाबा ने कहा नेपाल आमा जय नेपाल आमा को जय अच्छा जैसे वो बोलते हैं नेपाल के पागल अच्छे लगते हैं बहुत बहुत बाबा के पागल बाबा ने जो कुछ किया भी वो अच्छा लगता है कि जो कुछ अच्छा लगता है नहीं भाषा में क्या बाबा के भन्छु भने बाबाको त अब पाउ त छुन सकिन टाढैबाट नमन गर्दछु बाबालाई बाबाको बारेमा के पता है बाबा बहुत शक्तिशाली बाबा बहुत शक्तिशाली बहुत मान अब देवकर सब कुछ बता देते बाबा अच्छे लगते हैं बहुत 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 मैं से भी बाबा अच्छे लगते हैं बस सिर्फ आपको कोई हीरो नहीं अच्छे लगते नहीं बाबा देखकर तो कोई भी सब फला खाता है बाबा ये अच्छे मेरे लिए सब बाबा है मैम कब से देखना शुरू करा था बाबा मैंने 5-7 महीने में हो गया ये देखकर इतनी अच्छा लगी मैं भी भक्ति भाव में जाग गई इसलिए मैंने हनुमान की पूजा लगी इसलिए मेरे बहुत अधूरी काम है पूरा भी अच्छा मैम कोई काम हुआ है आपका बहुत जैसे जो बताना चाहिए बाबा से बहुत मेरा बाहर का प्रोसेस बहुत रोक गया था मैंने बाबा जी को सुनकर पाठ पूजा के लगी वो भी पूरा हो गया घर का तंगी थी बहुत वो भी बच्चे अलग तो नॉर्मल नहीं था बच्चे भी नॉर्मल हो गए सिर्फ बाबा की कृपा से मतलब जो बाबा की कृपा से जो है बच्चे नॉर्मल हो गए हैं पहले बच्चों में क्या प्रॉब्लम थी बोलने में दिक्कत थी नॉर्मल नहीं था आजकल की बोल कुछ कुछ बोलता है नॉर्मल हमले इतना उससे वो करता है बहुत बाबा की कृपा से हम धन्य बाबा की कृपा से लेकिन मैम जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप बागेश्वर धाम तो नहीं गई हैं लेकिन फिर बाबा की कैसी कृपा मैं वीडियो हेरता था अनि मैं सोने से बाबा जी मुझे भी इस एक मंत्र दे दो मैं भी के दैनिक ऐसे कैसे कर सकते हो भन्दै बाबा सपने में आकर मुझे मंत्र भी दिया बाबा आपके सपने में आके मंत्र देते स्वयं बाबा जी आकर मैं सपने में मंत्र दिया अनि मैं बहुत खुश हुई मैं वही मंत्र से दैनिक काम करता हूँ और काम पूरा 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 हो गया मैम टेंशन ना ले तो जैसे जो जैसे आप कोई बताना चाहें जो काम हुआ है मतलब जैसे आपने बताया कि बच्चे ठीक हुए हैं और क्या आपको लाभ हुआ है कि मेरे पति का वैदेशिक काम रुक रहा था जाते भी भाई का काम भी रुक रहा था जहाँ भी कैंसिल आया था जब हम पति पत्नी मिलकर हनुमान जी का पूजने लगे पूजा करने लगे एक जट में काम हो गया तो आप नॉन वेज वगैरह आपने छोड़ दिया एक दिन मन छोड़ा था लेकिन बोलने नहीं माना वन टू मन छोड़ा था मन ने नहीं माना तो कभी कभी मन नहीं माना तो कभी कभी खा लेते लेकिन छोड़ने की कोशिश से पहले से ज्यादा नहीं आता हूँ कुछ कभी कभी लेता हूँ अच्छा पूजा में क्या क्या करती है जैसे आप बोल रहे हैं कि बाबा ने आपको मंत्र बताया हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ और राम सीता के हनुमान की पाठ करती हूँ भोले बाबा की भक्ति हूँ जैसे जैसे बाबा ने बताया मंत्र अब कष्ट हो गया तो ये ऐसे करो उसे करो मैं उसी तरीके से करती हूँ तो मतलब बाबा ने जो चीज़ बोली सपने में या फिर वीडियो में तो उससे आपकी चीज़ें बनी सपने में आके बाबा ने स्वयं मंत्र दिया मुझे अनि वही मंत्र से मैं पूजा करती हूँ तो बहुत अच्छा लगा पूरा हुआ काम पूरा हुआ यहाँ पर आप तीनों दिन आई हैं नहीं आज मैं बाहर थी आज लास्ट दिन जैसे भी मैं यहाँ आने क्लीन फैमिली सहित आया हूँ तो बागेश्वर धाम जाना चाहेंगी जाना तो बहुत बहुत मन है बाबा ने बुलाया तो लास्ट में आप क्या कहना चाहती हैं बाबा से
बाबा से सब सबको भक्ति भक्ति भाव जाग जागना चाहिए, सबको सनातन धर्म में जाना चाहिए। ये 10 तारीख सपने से धर्म है लेकिन नहीं है, एकमात्र सनातन धर्म है, ये सबको पता होना चाहिए। बाबा ने बहुत बहुत बड़ा काम किया है, हम सबके बाबा के सपोर्ट करके सनातन धर्म होना चाहिए। मैम जैसे कोई डायलॉग याद है बाबा के, बाबा के ठटरी की पारी, ठटरी की पारी तो ठटरी की पारी से बहुत अच्छा हंस उड़ता है। बाबा के सुनता है तो ठटरी की पारी इधर आओ तुम, ऐसे उसे बन गए थे वो बहुत है। और क्या कहते, और क्या कहते उसे, यही है याद है बहुत। और मजाक में बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और बाबा के जैसे सुनते हुए वहाँ को एक्साइटेड होकर हंसते हंसते अब मोड़ते घर पे, बहुत रमाइलो लगता है, बहुत ज्ञान दे देते है। ऐसे मुझको हिंदी बहुत अच्छे से नहीं, नहीं लेकिन मैम आपने बहुत अच्छा भाषा जो है ना भाव देखा, तो ये चीज जो है आपने बहुत अच्छी करी। तो बाबा से लास्ट में जो है आप बाबा अपनी भाषा में क्या कहना, बाबा के भन्छु भने बाबा बाबा को त अब पाउ त छुन सकिन, टाढैबाट नमन गर्दछु बाबालाई, सबैले मिलेर बाबालाई सहयोग गराउँ, सनातन धर्ममा हामीले सबैले एक बनाऊ, अरू धर्मतिर नजाऊ, हाम्रो सनातन धर्मै हो त्यसमा एक पराऊ, बाबाजीको कुरा सुनेर बाबाजीको मन्त्र हामीले चाहिँ जैसे भारत हिन्दू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल होना चाहिए। जैसे हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक एक आपस में प्यार के भाव हो जाएगा। मेन तो अहिले अनेक धर्म से हामीले नफरत होता है, यस धर्म के त्यो नहीं होता, प्यार होता है, परमात्मा बस एक 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 भन्ने होता है। बहुत बहुत कुरा हुँदै नेपाल आमा के जय होता है, नेपाल आमा के जय होता है, भारत आमा के जय। जैसे बाबा ने कहा नेपाल आमा जय, नेपाल आमा को जय। अच्छा जैसे वो बोलते हैं नेपाल के पागलो अच्छे लगते हैं, बहुत बहुत बाबा के पागल, बाबा ने जो कुछ किया भी वो अच्छा लगता है कि जो कोई अच्छा लगता है। तो आप नेपाल के पागल हैं, नेपाल के पागल, बाबा के पागल है हम। ओके मैम थैंक यू सो मच।